आज के वीडियो में हम इसी बैग की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कैमरा परचेज कर रहे हो तो ये बैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये ज़रूर परचेज कर लेना चाहिए। जो ब्रांडेड कैमरा बैग हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, 5,000-6,000 तक के, 10,000 तक के बैग आते हैं। और अगर आप बहुत सस्ता वाला जुगाड़ देखोगे तो 400-300 रुपये का बैग भी मिल जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर मीडियम क्वालिटी का बैग मंगाया है, जो कि मेरे लिए काफ़ी ठीक रहेगा। दोस्तों, ये है कैनन M50 Mark II मिररलेस कैमरा। ये मैंने अभी हाल ही में मंगाया है, अभी तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी नहीं बनाई है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये हो रही थी, इस पैक के साथ हमें कोई भी इसका बैग नहीं मिला है। और कैमरा बैग बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा पूरा जो कैमरा है वो इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ है। और इसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है एक कैमरा बैग होना। तो ये आप जो देख रहे हो कैनन मार्क टू, इस कैमरे की भी मैं फुल अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं इसके फीचर्स वगैरह खुद सीख लेता हूँ और इससे वीडियो रिकॉर्ड करना सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा। तो फिलहाल हम बात करते हैं इस कैमरा बैग की। इसे मैंने 900 रुपीज़ में अमेजोन से मंगाया है। सिड्रम का बैग है। बैक साइड में यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल दी गई है, यहाँ पर भी सिड्रम की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इसका फैब्रिक मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड काफ़ी मजबूत हैंडल दिया गया है, काफ़ी मजबूत हैंडल है। और यहाँ पर हमें कुशन भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी गुदगुदा यहाँ पर हैंडल दिया गया है। और इसके बैक साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर भी दो इस तरह के स्ट्रैप दिए गए हैं। अगर आपको अपनी बाइक वगैरह पर पीछे कहीं लगाना हो, या फिर आपको ट्राइपॉड वगैरह पीछे यहाँ पर रखना हो, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रैप लगाने के लिए दोनों साइड इस तरह का ये दिया गया है। तो काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी मुझे इसकी लग रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर हमें कितनी पॉकेट मिल जाती हैं, क्या क्या हम इसके अंदर रख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला ये जो आप जिपर देख रहे हो, इसको हम ओपन करते हैं। और इसका जो चैन है, चैन की क्वालिटी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। जैसे जो जिप यहाँ पर दी गई है, तो जिप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी की हो, लेकिन जिप की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक यहाँ मिल जाती है। तो इस तरह का यहाँ पर हमें पॉकेट देखने को मिल जाता है। आप देख रहे हो ये पॉकेट दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर भी पॉकेट दिया गया है। और डबल कोटिंग यहाँ पर दी गई है, अंदर भी डबल लेयर हमें देखने को मिल जाती है। तो साइड में भी हमें यहाँ पर इस साइड भी इस तरह की पॉकेट दी गई है। इसे भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर भी इस साइड भी एक पॉकेट दी गई है, फ्रंट साइड में एक पॉकेट मिल जाती है। और इस साइड आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें एक चैन दी गई है। और यहाँ पर जो साइड पॉकेट दी गई है, इसके अंदर आपको इस तरह की एक मैश देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी आप अपनी एसेसरीज वगैरह रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें फ्रंट में एक पॉकेट मिल गई, साइड में यहाँ पर इस तरह की पॉकेट मिल गई, और इस साइड यहाँ पर भी हमें एक पॉकेट देखने को मिल जाती है। और ये है इसका मेन चैम्बर, जहाँ पर हमारा कैमरा लेंस वगैरह आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक जिप दी गई है, जिसे आप ओपन करके एक मैश टाइप की यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी आप अपनी एसेसरीज रख सकते हो, एसडी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, बैटरीज हैं, वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो फैब्रिक है, काफ़ी गुदगुदा यहाँ पर कुशन दिया गया है, जो कि पूरी तरह से प्रोटेक्ट रखेगा। इसके अंदर आप अपना DSLR कैमरा रख सकते हो, आप अपना मिररलेस कैमरा रख सकते हो, आप इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लेंसेज वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ पर हमें मिलता है एक स्ट्रैप, और स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। तो ये जो इसके स्ट्रैप हैं, इन स्ट्रैप को आप आराम से यहाँ पर इस तरह से अटैच कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी बेहतरीन चीज़ दी गई है, ये है इसका रेन कवर। ये कैमरा बैग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेन कवर दिया गया है। ये कवर भी काफ़ी काम का है। अगर आप कहीं बाहर शूट कर रहे हो, बाहर गए हुए हो, वहाँ बारिश अगर हो जाती है, तो आप अपने इस बैग को पूरी तरह से इस कवर से इस तरह से लगा के रख सकते हो, और आपका भैया जो बैग है, आपकी जो एसेसरीज है, वो बारिश से बच जाएगी। पार्टीशन दी गई है, जिन्हें आप अलग भी कर सकते हो। इस तरह की जो पार्टीशन है, इन्हें हम अलग कर सकते हैं कंपार्टमेंट को। दो पार्टीशन यहाँ दी गई हैं। और कुशन आप देख सकते हो, काफ़ी मजबूत यहाँ पर काफ़ी हार्ड कुशन देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जैसे आप चाहो उस हिसाब से आप अपनी पार्टीशन यहाँ पर खुद ही बना सकते हो। सबसे पहले मैं इस कैमरे को इसके अंदर रख देता हूँ। यहाँ पर हमारी जो किट है, लेंस किट है, वो इसके साथ लगी हुई है। तो ऐसे का ऐसा ही मैं यहाँ पर इसको रख दे रहा हूँ। किट लेंस के साथ हमारा ये मिररलेस कैमरा आसानी से यहाँ पर आ चुका है। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा लेंस है, वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे आप देख रहे हो ये 55mm का लेंस है, यहाँ पर मैं इस लेंस को रख देता हूँ। इसके अलावा अगर कोई और भी लेंस है, तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो।
तो काफ़ी बड़ा आप देख रहे हो, काफ़ी स्पेस इस बैग के अंदर हमें मिल जाता है। तो जिस तरह से आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहो वो आप कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का बैग मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि भैया कैमरा और लेंसेज बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो उनकी सुरक्षा का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और 1000 रुपये 1200 रुपये अगर बैग के लिए हम खर्च कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारा कैमरा, हमारा लेंस और सारी एसेसरीज इसके अंदर आ चुकी है, और अब हम इसे आराम से कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं भी लेके जा रहे हो, आपको अगर घर पर भी इसे रखना है, तब भी कैमरा, लेंस, सारी एसेसरीज को इस बैग के अंदर रख कर उसके बाद अगर आप स्टोर करोगे तो ये इस पर डस्ट वगैरह नहीं आएगी और आपका कैमरा पूरी तरह से सेफ रहेगा। तो ये जो कैमरा बैग है मुझे तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्वालिटी